गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 66वीं बीपीएससी मेंस का पेपर शुरू हो गया है और 29 जुलाई को जो पहला पेपर हुआ वो सामान्य हिंदी का था और इसके बाद उसी दिन जीएस पेपर वन का भी एग्ज़ाम हुआ। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग जनरल हिंदी का जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 100 में 30 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए इस पेपर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला पेपर है इसमें ऐसे लिखना है जो कि 500 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 500 वर्ड्स में ऐसे को लिखना है और ये 30 मार्क्स का है। ठीक है, हर साल बीपीएससी जो है ऐसे से क्वेश्चन पूछता है और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये पैटर्न फिक्स है, इसमें 6 टॉपिक दिए हुए हैं, 6 में से किसी एक पे आपको लिखना है। इस पर के जो टॉपिक थे, पहला है भारत की सामाजिक समस्याएँ, दूसरा वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, तीसरा नई शिक्षा नीति 2020, चौथा कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, पांचवा भारतीय राजनीति में जातिवाद, छठा महिला सशक्तिकरण। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ये संक्षेपण इसमें पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, संक्षेपण में ये होता है कि जो भी पैरा दिया गया है आपके सामने, पैराग्राफ जो दिया गया है जिसमें कोई कहानी दी हुई है उसको पढ़कर जितने वर्ड्स में ये पैरा दिया गया है टोटल काउंट करके उसके 1/3 आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये 100 वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, तो इसका 1/3 आपको लिखना पड़ेगा अपने वर्ड्स में। ठीक है, संक्षेपण में ये करना होता है और एक उपयुक्त शीर्षक देना पड़ेगा जो कि इस पैरा से, इस कहानी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो संक्षेपण का है और ये 15 मार्क्स का है जो कि आमतौर पर बीपीएससी संक्षेपण से क्वेश्चन पूछती ही है, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर अशुद्ध वाक्यों को दिया गया है, आपको शुद्ध करना है जो कि 10 मार्क्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछा गया है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और टोटल 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 5 आपको लिखना है, 10 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 10 में से आपको 5 सॉल्व करना है। बीपीएससी मुहावरे और लोकोक्तियों से क्वेश्चन हर साल पूछता है और ये 15 नंबर का होता है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो 5th नंबर क्वेश्चन है इसमें सर्वनाम पूछा गया है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को सुधारण लिखिए। जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में से किसी एक से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इस बार सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा गया है तो अगली बार या तो संज्ञा से पूछा जाएगा या फिर विशेषण से पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप तीनों टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मान लीजिए सर्वनाम इस पर पूछा गया है तो आप अगले साल स्किप करके सर्वनाम को या तो आप संज्ञा और विशेषण दोनों को देख लीजिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो छठा क्वेश्चन है इसमें है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 5 लिखने हैं आपको, आपके सामने ऑप्शन है 10। ठीक है फ्रेंड्स, 7th नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लेकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, 5 को आपको सॉल्व करने हैं, आपके सामने ऑप्शन है 10। इसके बाद जो 8th नंबर क्वेश्चन है ये समास, इसमें पूछा गया है कि समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। विग्रह भी करना है आपको और बताना भी है कि कौन सा ये समास है। ठीक है, इसमें भी आपके सामने ऑप्शन है 10 और केवल 5 ही करना है। जो 9th नंबर क्वेश्चन है इसमें उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाने हैं, उपसर्ग आपके सामने दिए गए हैं और इसमें से केवल 5 को आपको चूज करके आपको बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी आसान है अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं और जनरल हिंदी
को लेकर डरे हुए हैं, तो आप पिछले 2 से 3 साल का पेपर बना लीजिए एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले। बाकी किसी भी तरह के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी ये इजी पेपर होता है और आप इसमें इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।